नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि स्मार्टफोन में जो ऐप्स है वो डाउनलोड क्यों नहीं हो पा रही है, इंस्टॉल क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर बात करेंगे। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके स्मार्टफोन फीचर्स के बारे में। और कई जगह पर स्मार्टफोन मिल चुके हैं, तो क्या ये कंडीशन है, क्यों ये ऐप्स इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, एजुकेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि स्मार्टफोन मिलना शुरू हो चुके हैं, पिछले दो दिनों से स्मार्टफोन मिलना शुरू हो चुके हैं। लगभग आधे बच्चों को तो स्मार्टफोन मिल ही गए होंगे, ठीक है। मैक्सिमम जो यहाँ प्रक्रिया थी वो कुल्लू से की गई थी। कुल्लू में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये आवंटित की प्रक्रिया शुरू की थी, कुल्लू से बच्चों को मिलना शुरू हो गए। अब धीरे धीरे सभी ज़िलों में अलग अलग जिनकी मेरिट में नाम आया है उनको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अगर आपको पता नहीं कि मेरिट लिस्ट कैसे पता करते हैं, तो आपकी एक वेबसाइट होती है DDHE धर्मशाला, DDHE कांगड़ा। बस आपने क्या करना है, DDHE करके आपने अपना जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वो लिख देना है। आपकी जो वेबसाइट वो आ जाएगी, उसमें आपकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। बाकी अगर मुझे आपने टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको अपडेट्स दे देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जल्दी से जाइए टेलीग्राम पर, मुझे फॉलो कर लीजिए। तो हम बात करते हैं, स्मार्टफोन तो मिल गए, मैक्सिमम आधे बच्चों को मिल गए, तो कमेंट कर रहे हैं, मुझे रिप्लाई कर रहे हैं टेलीग्राम पर, मैसेज कर रहे हैं कि ये कैसे फ़ोन दिए जा रहे हैं हमें, जिसमें ना ही कोई फीचर है, ना ही कोई ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है, वाई, क्यों ये ऐप्स इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहे हैं। व्हाट्सएप ही शायद था या अब है, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहे हैं। देखिए, जिन्होंने ये लॉन्च किए हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने अपना लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो इसमें IP एड्रेस है ना, वो उनके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया है, उन्होंने अपना IP एड्रेस डाला है, वो आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने ये लॉन्च किया ना, वहाँ से ये आपके फ़ोन को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि वहाँ से वो आपके फ़ोन को देख रहे हैं कि कौन कौन से फीचर डाल रहे हैं। पर हाँ, बताया जा रहा है कि धीरे धीरे से जो आपके फ़ोन के फीचर्स है वो आएंगे, जैसे कि आप धीरे धीरे ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। तो देख रहे थे हमें, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंस्टाग्राम डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो इंस्टाग्राम भी हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, पर धीरे धीरे, क्योंकि जो IP एड्रेस होता है ना, ठीक है, वो उन्होंने रखा है, उनका IP एड्रेस है, यानी कि वो खुद वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं आपका फ़ोन, ठीक है। यानी कि वो एक तरह से आपके फ़ोन में डिवाइस जो है वो आपके फ़ोन चला सकते हैं कि कौन से ऐप्स डाउनलोड होने चाहिए, कौन से ऐप्स डाउनलोड नहीं होने चाहिए, वो वहाँ से रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जो ये रेस्ट्रिक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, ठीक है। बाकी जो ये इस स्मार्टफोन जो आपको मिल रहे हैं, सैमसंग गैलेक्सी M12, ये 4G फ़ोन है, 4GB रैम के साथ है, और साथ में 64GB की इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। 5000 समथिंग MAH बैटरी है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ठीक है। बाकी जो इसकी अनबॉक्सिंग होगी, देखिए मेरे पास भी एक फ़ोन है, जो कि स्मार्टफोन मॉन जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, मेरे फ्रेंड को भी मिला है एक स्मार्टफोन, तो इसकी अनबॉक्सिंग की जाएगी। वहाँ से आपको पूरा ब्रीफली बताया जाएगा कि कैसे आपने वो इंस्टॉल करने हैं अपने ऐप्स वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। तो आपको वो अनबॉक्सिंग कर दी जाएगी, आपके लिए वो वीडियो भी आ जाएगी कुछ समय बाद, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना सही कि आपके जो ऐप से घबराने की कोई बात नहीं है, वो धीरे धीरे आपके फ़ोन में फीचर्स आएंगे, धीरे धीरे अपडेट्स आएंगे, तो जिस तरीके से आप अपने ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर सकेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कुछ इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये, तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि ये धीरे धीरे जो है वो फीचर्स इसमें आने लग जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरिट लिस्ट घोषित हो चुकी है, मैक्सिमम बच्चों को स्मार्टफोन मिलने शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको भी स्मार्टफोन मिला है तो कमेंट कर जरूर बताना। अगर कोई अभी भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, आप सभी के कमेंट और रिप्लाई दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अनबॉक्सिंग की वीडियो अलग से आएगी, जो कि आपको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं उसकी वीडियो आएगी अनबॉक्सिंग की, उसमें आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा कि क्या फीचर है, कैसे आपने इसको यूज़ करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको हमारे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ मिलती रहेगी। साथ में वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।